वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में अफ्रीका डे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुई। इस समारोह में अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों में से 50 देश शामिल हुए। वहीं इस दौरान भारत और अफ्रीकन देशों के बीच व्यापार की संभावनाओं पर भी जोरदार चर्चा हुई। स्प्रिंट 2022 में गुजरात का विकास 2022 तक कितना आगे निकल जाएगा, इस बात पर भी मंथन किया गया और सभी देशों को निवेश का न्योता भी दिया गया। वहीं ग्लोबल चैम्बर समिट का भी आयोजन हुआ। इसमें कुल 24 देशों की 39 चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा IMSME का विशेष कॉन्क्लेव हुआ। इसकी अगुवाई गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की। और चलिए मेरे सहयोगी केतन जोशी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। केतन, दूसरा दिन आज है वाइब्रेंट गुजरात का, क्या कुछ खास है आज? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का भी, क्योंकि आज है वो इंटरनेशनल चैम्बर के साथ विचार विमर्श चल रहा है। हम सब जानते हैं कि कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहती है उनको बुनियादी दिक्कतों का पता चलता है कि आखिरकार इंडस्ट्री को क्या क्या तकलीफें हैं। तो सिर्फ भारत की ही नहीं लेकिन दुनिया के 24 देशों की 39 चैम्बर है वो आज इकट्ठा हुई है। और न केवल इतना, लेकिन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में भी इंटरनेशनल चैम्बर्स की एक शाखा होनी चाहिए जो सरकार के साथ सहयोग में रहकर काम करेगी। तो एक बहुत बड़ा आउटकम ये भी हुआ। दूसरी बात है कि स्प्रिंट 2022 यानी कि 2022 में गुजरात कितना आगे निकल जाएगा, और इस तेजी की रफ्तार में अगर कोई जुड़ना चाहता है, निवेश करना चाहता है, तो वो गुजरात में उनके लिए काफ़ी कुछ है। दूसरी बात है कि कोई दूसरा देश है वो भारत की धरती पर अपना डे मनाए, मतलब अफ्रीकन दिवस की भी यहाँ पर बड़ा एक समारोह हुआ, जो कि वहाँ के महाद्वीप के 54 कंट्री में से 50 की यहाँ पर मौजूदगी रही। तो कई सारी आज भी यहाँ पर निर्णायक स्थिति में सारे समारोह चल रहे हैं। और अभी अभी सुरेश प्रभु आए हैं एविएशन मिनिस्टर, वो भी गुजरात को एक एविएशन के क्षेत्र में किस दिशा में आगे लेकर जाना जाए, वहाँ पर एक कॉन्क्लेव चल रहा है। और MSME के ऊपर एक विशेष मंथन अभी भी चल रहा है। मुख्यमंत्री है वो मुख्य समारोह कक्ष में अभी मौजूद है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, उद्योग जगत के लिए काफ़ी आशास्पद रहा, क्योंकि छोटे छोटे देशों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो उस देश में जाकर किस तरह से बिजनेस किया जाए, वो 1-on-1 B2B सब मीटिंग भी चल रही है। तो काफ़ी अगत्य का दिन रहा आज का। जी एक चीज कितना आपसे और समझना चाहूंगी, MSMEs के लिए कितना खास है वाइब्रेंट गुजरात समिट और कितना उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है? जो छोटे उद्योग हैं, MSME सेक्टर है, ये कितना इस वक्त आपको उत्साहित दिखाई दे रहा है और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात समिट उनके लिए? देखिए, MSME कल ही प्रधानमंत्री ने जब इस पूरे समिट को उद्घाटित किया तब उन्होंने बोला था कि देश के GDP में छोटे उद्योगों का योगदान है 45% है, एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है MSME, इसीलिए हम इसकी अहमियत को जानते हैं। तो गुजरात समेत भारत देश में भी अब छोटे उद्योगों की है वो काफ़ी कुछ तवज्जो दी जा रही है। और जो सरकारी महकमे में जो खरीदारी होती है उसमें तो केंद्र सरकार ने ये निर्णय भी कर दिया है कि 25% की खरीदारी तो ऐसे छोटे उद्योगों से ही सीधी की जाए। और अब तक 16,000 करोड़ की खरीदारी हो चुकी है, ऐसा खुद कल प्रधानमंत्री ने बताया। तो छोटे उद्योगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि छोटे उद्योगों से ज़्यादा रोजगार निर्माण होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर बहुत बड़ा यूनिट आ जाता है तो उसमें ज़्यादा रोजगारी की संभावना नहीं रहती, लेकिन अगर छोटा यूनिट है तो रोजगार ज़्यादा बढ़ता है। और आज के समय में भारत में रोजगार एक सबसे बड़ा इश्यू है, तो उसको खास फोकस करते हुए कल भी उस पर मंथन हुआ था। और आज खुद जो MSME कॉन्क्लेव अभी चल रहा है उनकी अगुवाई मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कर रहे हैं, और देश भर से छोटे उद्योगों के नुमाइंदे भी यहां मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन में उनकी भी जितनी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का एक भरपूर प्रयास किया जाएगा, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो या राज्य सरकार के। जी